दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो आपका जवाब शायद ताजमहल होगा, जो कि 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। इन्हीं 7 वंडर्स में से एक इजिप्ट के गीजा का पिरामिड भी है। दोस्तों, गीजा के पिरामिड दुनिया के सबसे रहस्यमय चीजों में से एक है। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व मिस्र वासी लोग इजिप्ट में राज किया करते थे। पिरामिड वहां के राजाओं द्वारा बनाए गए स्मारक स्थल थे। इन्हें वहां के राजा महाराजा शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाते थे। इजिप्ट में रहने वाले मिस्रवासी लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करते थे। इसलिए दुनिया की यदि कोई सबसे रहस्यमय जगह है तो वो इजिप्ट है, क्योंकि यहाँ इजिप्शियन लोग अद्भुत कलाकृतियों के साथ साथ बहुत से रहस्य छोड़ गए। गीजा के पिरामिड का रहस्य आज भी विज्ञान भी नहीं समझ पाई है। यदि यहाँ की कोई सबसे रहस्यमय चीज है तो वो है पिरामिड। गीजा के पिरामिड पर बहुत सालों से रिसर्च चल रही है। इसे हर टेक्नोलॉजी से समझने की कोशिश की जा रही है, मगर आज तक मिस्टीरियस पिरामिड्स को कोई समझ नहीं पाया। दोस्तों, इन पिरामिड्स में दफनाए गए सम्राटों की लाशों को ममी कहा जाता है, जिनको लेकर अलग अलग देशों में कई कहानियां मशहूर हैं और इन पर कई फिल्में भी बनाई गई। विशेषज्ञों के मुताबिक राजा के तहखाने का निर्माण राजा की लाश को सुरक्षित रखने के लिए, जबकि रानी के तहखाने का निर्माण रानी की लाश को सुरक्षित करने के लिए कराया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज तक तहखानों से ना ही राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी की। विज्ञान आज भी इन चीजों को नहीं समझ पाया कि इतनी बड़ी बड़ी कलाकृतियां बिना मशीनरी के, यहाँ तक कि आज की मशीनों से भी नहीं बनेगी। फिर इजिप्ट के लोग 4000 साल पहले इन सभी कलाकृतियों को कैसे बना गए, और इन लोगों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि ये आज तक भी विज्ञान समझ नहीं पाया है, क्योंकि उस समय के मिस्त्रियों की टेक्नोलॉजी सुनने के समान थी। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ये बताया गया कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगे लगातार काम करती रहती हैं, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती हैं। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर बैठने से कई रोगों से छुटकारा मिलता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ शव को दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इनका निर्माण पृथ्वी पर कई जगह पर किया गया था। मगर सोचने वाली बात यह है कि एक समय में एक साथ पूरी पृथ्वी पर इतने सारे पिरामिड उस समय किन कारणों की वजह से बनाए गए होंगे, ये राज आज तक अनसुलझा है। गीजा के पिरामिड पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि बिना मशीनों और टेक्नोलॉजी के और बिना किसी मॉडर्न औजारों के मिस्रवासी लोग इतने विशाल काय पिरामिड्स को कैसे बना पाए। गीजा के पिरामिड बनाने में लगभग 23,000 ब्लॉक्स का प्रयोग किया गया, और एक ब्लॉक का वजन 25,000 से 50,000 किलोग्राम तक है। दोस्तों, आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने में जिन क्रेनों का उपयोग किया जाता है, वो भी लगभग 20,000 किलोग्राम से ज्यादा उठा नहीं पाती। प्राचीन समय में इन पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किन मशीनों का प्रयोग किया गया होगा, या इन पत्थरों को कैसे अलाइनमेंट किया गया होगा, ये रहस्य बनकर रह चुका है। गीजा के पिरामिड बहुत से वैज्ञानिकों को ये भी मानना पड़ा है कि प्राचीन सभ्यता आधुनिक सभ्यता से ज्यादा विकसित थी, या इजिप्ट के लोगों को गीजा के पिरामिड बनाने में किसी बाहरी सभ्यता का भी हाथ हो सकता है। पिरामिड के रहस्य यही नहीं खत्म होते। द ग्रेट पिरामिड गीजा का सबसे बड़ा पिरामिड है। ये पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था, जिसमें द ग्रेट पिरामिड के सर का 10 मीटर भाग अब गिर चुका है। दोस्तों, गीजा के पिरामिड में 23 लाख चूना पत्थरों का उपयोग किया गया है। हर एक पत्थर का वजन 2 से 30 टन तक का है, और ये 13 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। उसका आधार करीबन 54 से 55 हजार मीटर तक का है। द ग्रेट पिरामिड को एक कंप्यूटर के आकार का बनाया गया है। जहां ये बना हुआ है वो असल में हमारी पृथ्वी का सेंटर है। गीजा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा ये पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकता है। गीजा का द ग्रेट पिरामिड हमारी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ये वक्त की मार को झेलते हुए जैसे का तैसा खड़ा हुआ है। इतने लंबे समय में वक्त भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हमारी दुनिया में 7 अजूबों में से अब केवल गीजा का पिरामिड ही अभी मौजूद है, और अब सब अजूबे वक्त की मार में कहां गायब हो गए किसी को पता नहीं चला। इन पिरामिडों को परफेक्ट ज्योमेट्री और जियोग्राफी से बनाया गया है, और इन पिरामिडों को अंतरिक्ष में मौजूद नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसलिए ये ओरियन राशि में 3 तारों की सीध में है। यदि गीजा के पिरामिड के चारों कोनों को देखा जाए
तो ये नक्षत्र ब्रिसिंग, दृष्टि और कुंभ हैं। दोस्तों, गीजा के द ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं, आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शवों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। सदियों से द ग्रेट स्फिंक्स पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। मिस्र वासियों के पास इस दौर के आधुनिक दौर से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी या किसी बाहरी सभ्यता का हाथ था। गीजा के पिरामिड हमारी चारों दिशाओं नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट को दर्शाते हैं। इसका एक सिरा नॉर्थ लाइन को दर्शाता है, हालांकि पृथ्वी की वजह से इसमें थोड़ा सा एरर हो गया है। ये किसी को भी समझ में नहीं आया कि उनको 4000 साल पहले हमारी चारों दिशाओं की इतनी सटीक जानकारी कहां से मिली। ये किसी को नहीं पता कि गीजा के पिरामिड को मिस्र वासियों ने बनाया था या एलियंस ने, ये बात तो पक्की नहीं है। लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि पिरामिड और अंतरिक्ष की दुनिया का आपस में कोई ना कोई संपर्क तो जरूर है। दोस्तों, पुरातत्वविद मानते हैं कि मिस्र वासी इस पिरामिड के जरिए भौतिक राशियों को मापा करते थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि इस पिरामिड में भविष्य की गणना भी की जाती थी। मिस्र का पिरामिड इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। आज भी पिरामिड कई रहस्य से भरी पड़ी है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इनके रहस्य से जुड़ी चीजों को खोजने में लगे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी सभ्यता है। मिस्र में 137 पिरामिड उपलब्ध हैं, जिनमें से गीजा का पिरामिड दुनिया के 7 रहस्यमय अजूबों में से एक है। अजीबोगरीब रहस्यों से भरे होने के कारण आज भी पिरामिड दुनिया भर के लोगों के आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र बना हुआ है। दुनिया भर के लोग मिस्र में इन पिरामिडों को देखने जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें हमारे इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।